चलो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स की रूलिंग हमने तैयार कर ली थी, अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। एंड एज पर माई हैबिट आई ऑलवेज गो विद एडजस्टमेंट्स। मेरा एडजस्टमेंट नंबर वन है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, दोनों बैलेंस शीट में जाएगा पहले। एडजस्टमेंट से कवर करना ऑलवेज बेटर। रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, रॉ मटेरियल्स बैलेंस शीट एसेट साइड। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है 5 लैक्स एंड 437,500। 5 लैक्स That gives you 937,500। इनका सेकेंड इफेक्ट फिनिश गुड्स का तो जाएगा ट्रेडिंग में, 437,500, और रॉ मटेरियल्स जाएगा किधर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कितना है 5 लैक्स। ये लो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया 5 लैक्स का, मेरा एक एडजस्टमेंट खत्म। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, बस इसके अलावा डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। गो टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में राइट डेटर्स माइनस आरडीडी, और आरडीडी का परसेंटेज कितना देके रखा है 5%। 5% इसका जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली हम प्रेजेंट साथ में कर सकते हैं क्योंकि ये तो अगले साल के बैड डेट्स के लिए। मेरे पास ट्रायल बैलेंस में डेटर्स, इन ट्रायल बैलेंस डेटर्स ये रहा 375,000 का डेटर्स है, 375,000 का 5% बोलो 18,750, तो कितना हो जाएगा 356,250। अच्छा ये आरडीडी को पीएनएल में लेके जाओ, पीएनएल में लिखो टू बैड डेट्स, ये साल का बैड डेट्स, और ये साल के बैड डेट्स के लिए लास्ट ईयर हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, लास्ट ईयर हमने प्रोविजन क्रिएट किया था। तो बैड डेट्स एक मिनट, बैड डेट्स क्या रहा, ये रहा 15,000 का बैड डेट्स है, और लास्ट ईयर इसके लिए प्रोविजन कितने का किया था 25,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था। तो लास्ट ईयर 25,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था लेकिन बैड डेट्स खाली कितना आ गया, तो अपने पास एक्सेस प्रोविजन है ना, 10,000 का एक्सेस प्रोविजन है, प्लस ये साल आरडीडी कितना क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए ना 18,750। खाली आउटर कॉलम में नेट ऑफ कर रहा हूँ, बाकी पिछले साल का एक्सेस प्रोविजन जो नेगेटिव लिखा है वो क्रेडिट हो गया पीएनएल। अरे पीएनएल के क्रेडिट में 18,750 डेबिट में, ऐसा नहीं लिख के साथ में नेट ऑफ कर रहे और कुछ नहीं, बाकी ये दोनों अलग अलग है। ये 10,000 एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक नेगेटिव आ गया ना, और आउटर कॉलम में भले ही 8750 आया है, बट ये दो अलग अलग अकाउंट है, ये अकाउंट अलग है, ये एक्सेस प्रोविजन है और ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन है, ठीक है। खाली प्रेजेंटेशन मैंने साथ में दिया और कुछ नहीं। ये लो, ये एडजस्टमेंट भी हो गया अपना डेटर्स का। डेटर्स के बाद आ गया डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 10%, प्लांट 15% एंड फिक्स्चर्स 10%। सो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फिक्स्चर्स। बिल्डिंग मेरे पास जगह कम है, बिल्डिंग एग्जाम में पूरा पेज ले लेना, प्लांट एंड मशीनरी एंड फिक्स्चर्स। एग्जाम में पूरा पेज बैलेंस शीट के लिए ले लेना, मैंने बैलेंस शीट के लिए पेज कम लिया हुआ है, सो आई एम नॉट कीपिंग एनी लाइंस। सबसे पहले चाहिए बिल्डिंग, बिल्डिंग 6 लैक्स, 3 लैक्स, 125, 6 लैक्स, 3 लैक्स एंड 125।
सिक्स लैक्स, थ्री लैक्स, वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पहला डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 10% है, फिक्स्चर्स पे भी 10% है, सो 10% के हिसाब से ये हो गया 60,000, 5,40,000, और ये भी 10% के हिसाब से हो गया 12,500, सो दिस इज 1,12,500, और प्लांट एंड मशीनरी है 15%, 15% के हिसाब से कितना हो गया 45,000, सो 2,55,000 क्या डेप्रिसिएशन 60 + 45 + 12,500 टू डेप्रिसिएशन। तुम एग्जाम में है ना, पीएनएल भी पूरा पेज रख देना और बैलेंस शीट भी एक पूरा पेज रख देना, यहाँ नहीं है मेरे पास ज़्यादा जगह। बोलो कितना है पहला, कितना था 60, अरे एक तो बिल्डिंग, बिल्डिंग तो इधर ही आएगा ना, और फर्नीचर भी तो इधर ही आएगा, प्लस 12,500 कितना आ गया 72,500। नीचे ब्रैकेट में लिख दो, ज़्यादा स्पेस नहीं है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इनर मोस्ट में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम इनर कॉलम में लिखना कितना ये 45,000। फिर टोटल एक्सपेंसेस बाहर निकालेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वी विल टेक टू द आउटर कॉलम। ये लो ये भी हो गया, वन मंथ फैक्ट्री रेंट इज आउटस्टैंडिंग, फैक्ट्री रेंट एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, फैक्ट्री रेंट है 77,000 एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 11 महीने का दिया है कितना 7,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा, 11 मंथ्स का है ना 77, तो कितना हो गया एक महीने का 7,000 पर मंथ। देखो फैक्ट्री रेंट डिवाइड बाय 11 किया है, जो पेमेंट किया है ना वो डिवाइड बाय 11, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट 77,000, देखो किधर लिख रहा हूँ मैं 77,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 7,000 कितना हो गया 84। प्रेजेंटेशन समझा? और ये जो आउटस्टैंडिंग लिखा है इसका सेकेंड इफेक्ट जाने दो, आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट 1, 2, 3, 4 लाइबिलिटी साइड 4 लाइंस, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 7,000 आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। ये लो ये एडजस्टमेंट भी हो गया, इंटरेस्ट एड एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट 10%, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट्स है, किधर गया इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट्स है, 2,50,000 का कितना परसेंट बोला है 12%, 10%, 25,000 का इंटरेस्ट। देखो क्रेडिट में कोई इंटरेस्ट की इनकम है क्या, तो पूरा इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, एंट्री क्या पास करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाने दो। इंटरेस्ट रिसीवेबल 25,000 और पीएनएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000 इंटू 10%, हो गया। वन मोर एडजस्टमेंट कंप्लीटेड, इंटरेस्ट ऑन साहिल्स लोन 12%, और लोन लिया भी कभी है 1 अक्टूबर, सो देखो साहिल्स लोन 4 लैक्स, 4 लैक्स पे 12% फॉर 6 मंथ्स, 24,000 का इंटरेस्ट पे करना है अपने को,
जरा चेक करो इंटरेस्ट डेबिट साइड में कोई इंटरेस्ट का पेमेंट है क्या। एक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है वो अलग है। साइल्स लोन पे पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ही है, तो आउटस्टैंडिंग का डबल इफेक्ट पीएनएल में एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटीज। सो लिखो इंटरेस्ट ऑन साइल्स लोन टू इंटरेस्ट ऑन साइल्स लोन कितना है 24,000 और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन साइल्स लोन कितने का था 4 लैक्स इंटू 12% इंटू 6/12 24,000। आई थिंक ये लास्ट एडजस्टमेंट था, दिस वॉज द लास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। अब ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को पोस्ट करना है बस। द वेरी फर्स्ट आइटम इज कैपिटल अकाउंट 9,50,000। कैपिटल अकाउंट के बाद में आ गया क्रेडिटर्स 3,25,000। क्रेडिटर्स 3,25,000। तुम मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स में देखो मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करवाए लास्ट में, जहां पे टॉपिक खत्म हो गया ना उसके बाद में मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करवाए, एक बार वो रिफर कर लो। डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट का दिया हुआ, एक इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वो सारे एडजस्टमेंट्स एक बार वापस से रिफर कर लो। फिर उसके बाद है परचेज रिटर्न्स 50,000, ये तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। 50,000 परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स के बाद क्या आ गया लोन फ्रॉम साहिल 4 लैक्स। गो टू लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लोन लोन फ्रॉम साहिल 4 लाख 24,000 के बाद में क्या आ गया आरडीडी तो हो गया था, सेल्स 44,20,000। का सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट 6 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 6 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 250 एंड 425 फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 2,50,000 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,25,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 34 लाख, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 34 लाख, लैंड 50,000। बैलेंस शीट में जाके लिख दो लैंड 50,000, दिस इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। बिल्डिंग ऑलरेडी लिख दिया है, लूज टूल्स लिख दो एसेट्स में 1,50,000, लूज टूल्स 1,50,000 हो गया। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट्स लिखोगे 2,50,000। अभी जगह कम पड़ने वाली है, एक एक लाइन पे दो आइटम लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश बैंक लिख दो ना, एग्जाम में पूरा पेज रखोगे तुम, दोनों का टोटल ही लिख दो कितना है 59। कैश बैंक के बाद में
फर्नीचर लिख दिया, डेटर्स भी लिख दिया, ड्रॉइंग्स माइनस ड्रॉइंग 60, हाँ ड्रॉइंग्स के बाद में सैलरीज 90,000 पीएनएल में लिखो, गो टू पीएनएल एंड राइट टू सैलरीज 90,000, और सैलरीज के बाद में कोल एंड फ्यूल 1,05,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ना, कोल एंड फ्यूल 1,05,000, कोल एंड फ्यूल के बाद फैक्ट्री रेंट तो लिख ही दिया, जनरल एक्सपेंस पीएनएल में 39,000, टू जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस 39,000, जनरल एक्सपेंसेस के बाद है 55,000 का सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स 55 माइनस करके बताओ 43 लाख, 43,65,000, और बैड डेट्स लिख चुके हम लोग, डायरेक्ट वेजेस लिख दो फैक्ट्री का 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस आउटर कॉलम 1,20,000, पावर फैक्ट्री एक्सपेंसेस में लिखोगे 80,000, पावर टू रन मशीनरी, खाली इलेक्ट्रिसिटी बोलते तो पीएनएल में लिख देते थे, इंटरेस्ट पीएनएल में जाने तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 90,000, गो टू पीएनएल एंड राइट टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना था 90,000, फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड्स 30, कैरेज आउटवर्ड्स 25, कैरेज इनवर्ड्स दिस इज एक्सपेंसेस ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड्स 30,000 और कैरेज आउटवर्ड्स आएगा पीएनएल में, कैरेज आउटवर्ड्स 25,000, सो ऑल आइटम्स कंप्लीटेड, एडजस्टमेंट्स भी कर दिया, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग भी कर दिया हम लोग ने, चलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वी डोंट हैव एनी WIP, कंज्यूम को बाहर निकालो, 3650 माइनस 50, 34 माइनस 5, 29, 29, 7, 30, क्या टोटल है, हाँ 31,30,000, ये आ गया कंज्यूम्ड, 31,30,000 प्लस 120, जरा ये फैक्ट्री एक्सपेंस बाहर निकालो, 314, डेबिट का टोटल मारो 35,64,000, वी डोंट हैव एनी क्लोजिंग WIP, वी डोंट हैव एनी सेल ऑफ स्क्रैप, सो 35,64,000 दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये इधर आ जाएगा 35,64,000, क्रेडिट का टोटल मारो 4,365 प्लस 437,500, 48,02,500, 48,02,500 गेट GP, 813, 513,500 is the GP,
प्लस 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाख 838,500। गेट द नेट प्रॉफिट, हाँ बोलो, 489,250। ट्रांसफर टू कैपिटल, निकालो बाहर, 13,79,250। गेट द ग्रैंड टोटल, 27,35,250। सो सिंपल मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम था, दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हाँ बट सब आइटम्स ये थे, खाली WIP नहीं दिया था, बाकी देखो कंज्यूम्ड में दे हैव गिवन ईच एंड एवरी आइटम। हो गया कंप्लीट, अभी 10th से हम लोग ने रिवर्स जाना चालू कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पास जर्नल एंट्री, क्या विद नरेशन, अब तो करना ही पड़ेगा नरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, छवि ओव्ड 1 लाख टू रितु एंड छवि एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय रितु एट 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स बिल गॉट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 99,000। सो छवि ने बुक बिल एक्सेप्ट किया है, सो ड्रॉई ड्रॉवर एंड बैंक, 1 लाख रुपए का बिल है, कोई डेट्स नहीं दिया है, काम इजी, 3 मंथ्स, रितु ने बिल ड्रॉ किया था, छवि ने एक्सेप्ट किया एंड इट इज डिस्काउंटेड फॉर 99,000, 1,000 इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड 1 लाख का बिल इज लाइंग विद द बैंक। ऑन द ड्यू डेट अगर डिजोनर नहीं होएगा ना तो फिर प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगा, तो डिजोनर होना तो कंपलसरी है, ऑन द ड्यू डेट बिल डिजोनर होगा ही होगा। बिफोर द ड्यू डेट छवि अप्रोच रितु फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, रिन्यूअल का मतलब ओल्ड बिल इज डिजोनर, कोई नोटिंग चार्जेस की बात ही नहीं हुई है, ओल्ड बिल डिजोनर, तो रितु को 1 लाख रुपया छवि से लेने का है, देर आर नो नोटिंग चार्जेस और ये 1 लाख रुपया बैंक उससे ले लेगा, फिर उसके बाद में हम लोग छवि से इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे जो आगे वो डिले करने वाले हैं। रितु एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% फॉर 3 मंथ्स, इसका मतलब है इंटरेस्ट इमीडिएटली 50,000, 1 लाख में से इमीडिएटली 50,000, सो बैलेंस 50,000 का नया बिल, वैसे हम लोग ये ब्रैकेट में 50 नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं बिल अमाउंट, वी डोंट हैव एनी नोटिंग चार्जेस, प्लस इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ये जो 1 लाख है ना इसका ब्रेकअप मिल गया, इसमें से इमीडिएटली कितना पे करना है का है, तो बैलेंस 50,000 पे नया बिल, न्यू बिल ऑन बैलेंस 50,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स,
और व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज 12%. सो 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, बोलो 1500. सो 1500, और ये 1500 कैश के साथ इमीडिएटली बोला हुआ है, 50,000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट. अब ये सेकेंड बिल के डेट पे क्या हुआ, ड्यू डेट पे, छवि एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 months. दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू आफ्टर दैट छवि बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% इज रियलाइज्ड. तो ये 50,000 डिसऑनर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी, और फिर उसके बाद सेकेंड कलेक्शन करना है. कलेक्शन कितना किया, 40%, 40% और 60% को बोलेंगे बैड डेट्स. 40% से क्या अमाउंट आ गया, 20,000. तो कैश बैंक कलेक्टेड और बाकी 30,000 बैड डेट्स. वैसे तो वर्किंग के बिना भी अभी तुम कर सकते हो, बट इट्स बेटर है, अपने को पूरा एक सामने प्रेजेंटेशन रहता है. जर्नल एंट्रीज भी किसके बुक्स में चाहिए, रितु के बुक्स में चाहिए, झमेला ही नहीं है. ड्रॉवर के बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में जर्नल एंट्री चाहिए, जर्नल ऑफ रितु. जर्नल ऑफ रितु जर्नल ऑफ रितु मेरे को प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं है, हमको जर्नल पास करनी है रितु के लिए. बोलो रितु के लिए बिल रिसीवेबल है क्या पेएबल है? तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू छवि अकाउंट 1 lakh. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू छवि अकाउंट 1 lakh बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन ऑन ड्रॉइंग. बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन ऑन ड्रॉइंग फिर सेकेंड एंट्री, छवि ने वो बिल डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंट करा दिया तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000. टू बिल्स रिसीवेबल बींग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक. Being bill receivable discounted with bank हो गया. नंबर थ्री, उसके बाद में वो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया,
तो अभी रितु की पोजीशन है, उसको पैसा लेने का है छवि से, और देने का किसको है? बैंक को पैसा देने का है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? छवि अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,00,000 रुपया। कोई नोटिंग चार्जेस तो है नहीं। छवि अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000। Being discounted bill dishonored, being discounted bill dishonored, फिर उसके बाद में नीचे आ जाएंगे इंटरेस्ट। अब छवि से इंटरेस्ट लेने का है, तो इंटरेस्ट के लिए क्या एंट्री पास करेंगे बोलो? छवि अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,500। छवि अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,500 being interest charged on new bill for extended period, being interest charged on new bill, being interest charge on new bill for extended period। और फिर अब कैश मिलेगा और न्यू बिल मिलेगा छवि से, बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट 51,500, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू छवि 1,01,500। कैश अकाउंट डेबिट 51,500 bills receivable account debit 50,000 to chavi account 1,01,500 being cash and new bill received। Being cash and new bill received, और उसके बाद में ये सेकेंड बिल का क्या हुआ? ऑनर हुआ क्या? डिजोनर हो गया। डिजोनर हो गया तो कैश तो मिला नहीं, क्या एंट्री पास हो जाएगी? छवि अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। छवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 50,000 का था ना बिल, बीइंग सेकेंड बिल डिसऑनर्ड ऑन रॉयज इंसॉल्वेंसी। On Roy's insolvency, अब कितना परसेंट कलेक्ट हुआ? 40% का मतलब 20,000 कलेक्ट हुआ। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 Debtors account debit 30,000 to Chavi account 50,000 being 40% of amount due collected,
being 40% of the amount due. Collected from drawee's estate. हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे सिंपल क्वेश्चन था, ये तो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, एकोमोडेशन का अच्छा क्वेश्चन देना चाहिए। सो इवन दिस क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। कि कितने बार रिपीट करेंगे, बार बार जगह जगह पे यही क्वेश्चन देते, कभी बस का, कभी ट्रक का एक्सीडेंट, कभी बस का एक्सीडेंट, प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम तो सेम है ये। मैसर्स मोहित ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 बसेस, पहले 10 ट्रक्स खरीदी थी 25 लाख ईच, मतलब 2.5 करोड़ ऑन 1st July 2020। एक मिनट, पहले तो गिव बस अकाउंट फॉर 2 ईयर्स बोला है, एंडिंग ऑन December 2023, मतलब 2022 और 2023, दो ही साल का बोला है। तुम्हारे पहले ट्रक परचेज कभी किए 25 लाख के? 1st July 2020। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या ये? क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर हम लोग ने फर्स्ट कैब परचेज किया 1st July 2020 को, एक ट्रक परचेज किया था 25 लाख का, है ना? ये 25 लाख का एक ट्रक डैमेज होएगा रीड करने के पहले ही अपने को मालूम है, बहुत बार कर चुके अपन लोग। और 25 लाख इंटू 9, बाकी 9 ट्रक्स 2 करोड़ 25 लाख, फर्स्ट अक्टूबर 22 को वन ऑफ द बस इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 17,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ऑन द सेम डेट एक और बस परचेज किया, एक मिनट है, पहले तो अक्टूबर 20 मतलब अक्टूबर 20 वाले साल में तो 6 महीना यूज हुआ, 21 में पूरा साल यूज किया, और फिर 21 में पूरा साल, और 22 में कभी डैमेज हो गया 9 मंथ्स। इसका मतलब है माइनस, अपने को 22 और 23 का दिखाना है ना? Yes. तो माइनस डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स कौन से ईयर का हो गया? 20 का हो गया, 2020 का 6 मंथ्स, 2021 का तो पूरा 12 मंथ्स। इसके आगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है ना, तो इससे अपने को मिल जाएगा बुक वैल्यू एज ऑन 1/1, एज ऑन 1/1/22 मिल जाएगा, और 22 और 23 ये 2 साल का अकाउंटिंग करने बोला ही है, बराबर। तो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये हो गया ना 60, 20% तो 20 प्लस 10, 30% माइनस कर देते 2 साल का, 6 महीने का 10%, 12 मंथ्स का 20%, बोलो पहला माइनस 30% करके 17,50,000, और दूसरा 2 करोड़ 25 लाख को 30% माइनस 30%, 1,57,50,000, करोड़
1,57,50,000 बराबर ना, प्रॉफिट तो होएगा ही पक्का, ऐसे नहीं हो सकता है। अभी 22 में डैमेज हुआ है, और कौन से डेट को डैमेज हुआ है? अक्टूबर में। एक ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन वही डेट को खरीदा है, 1 अक्टूबर 22 को 30 लाख का परचेस, अब माइनस डेप्रिसिएशन, पहले तो जो डैमेज हो गया उसका काम खत्म कर देते हैं ना। 9 मंथ्स का कितना? 15%। 15% किसका? वो 9 मंथ्स 25 लाख का निकालो, 25 लाख इंटू 20% इंटू 9/12 बोलो 375। This is the book value on the date of damage. Book value is on 1st October 22 minus claim received. देखो ना claim received कितने का? Completely damaged and 17,50,000 received from insurance in full settlement. आ गया ना profit? 17,50,000 मिला है, कितना ज्यादा मिला? 375। तो ये प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट है। प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट 375,000। ये लो, ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। अब तो क्या, खाली ये साल का डेप्रिसिएशन और अगले साल का डेप्रिसिएशन, और कुछ है ना क्या एक्टिविटी? परचेज किया था 30 लाख में, कुछ नहीं। तो ये साल का डेप्रिसिएशन, इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 2,25,00,000 का 20%, 45 लाख तो ये साल का, और ये 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो, 30 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 150, और ये 45 माइनस करो कितना होता है? 1,12,50,000। अब खाली ये साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये 45 लाख, और वो कितना? 6 लाख क्या? 30 लाख का 20% है ना, 45 लाख माइनस करके बोलो कितना हो गया? 6,750। This is book value on 31st December. Book value on 31st December. लेकिन अपने को all years का थोड़ी पूछा है, अपने को तो 2 ही साल का पूछा है। अगर 2 ही साल का पूछा है तो अपना तो अकाउंटिंग यहीं से चालू होएगा। क्यों? अच्छा, ये अक्टूबर आ गया क्या? ये रहा, यहां से अकाउंटिंग शुरू होएगा। वर्किंग तो कॉपी कर लो फटाफट।
बस अकाउंट बनाना है, बस 2 साल का। हो गया क्या? इसके नीचे बना लो बस अकाउंट, 2 साल का चाहिए। फर्स्ट ईयर में डैमेज है ना, और परचेज भी है, तो 5 लाइंस का बना लेना। सेकेंड ईयर 3 लाइंस, बस अकाउंट। मैंने फर्स्ट ईयर 22 वाला ईयर 5 लाइंस का बना लिया और सेकेंड ईयर में 3 लाइंस। देयर वी हैव टू ओनली चार्ज डेप्रिसिएशन 31st December 22। क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/23। सबका अकाउंट बना के रेडी है क्या?
स्टार्ट ही ओपनिंग बैलेंस से होने वाला है 1122। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जरा ये ऐड करके बताओ मेरे को, 1750 प्लस 1 करोड़ 75 लाख फिर उसके बाद में देखो यही साल में इमीडिएट नेक्स्ट टाइम पे ओरिजिनल कॉस्ट आ गया 30 लाख 1 अक्टूबर 22। कितने का है ओरिजिनल कॉस्ट? 30 लाख। फिर जो बस बेचा उसकी दो एंट्री, एक तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दो और ये क्लेम रिसीव्ड क्रेडिट कर दो 1 अक्टूबर 22 बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 375 है ना डेप्रिसिएशन टू बस, और 1 अक्टूबर को ही क्लेम मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू बस। दिस इज क्लेम। क्लेम कितने का मिल गया? 17 लाख 50। बोलो प्रॉफिट ऑन क्लेम कितना आ गया? तो 1 अक्टूबर 22 को टू पीएनएल 3 लाख 75। फिर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग है 45 लाख प्लस 150। ये है ना अनसोल्ड का 46 लाख 50। बट ये एंड ऑफ द ईयर में 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। $46,50,000 ये 1 crore 12 lakh 50 प्लस 28 lakh 50 कितना हो गया? 2 crore कैसे होगा ये? 1 crore 41 ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ना। और 31 December 23 डेप्रिसिएशन 45 plus 6 सो दिस क्वेश्चन वी हैव डन इट फॉर मेनी टाइम्स, पास्ट पेपर्स में भी है, मॉड्यूल में भी, अपने क्लास के टेक्स्ट बुक में भी है। डेबिट का टोटल बोलो ना फर्स्ट ईयर का कितना? 2 crore 8 lakh 75,000 2 crore 8 lakh 75,000 सो इवन दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। और एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सबका हुआ कंप्लीट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, ये क्या है? बैंक रिकंसिलेशन रेक्टिफिकेशन। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद करेंगे।